विशेषण को पहले समझेंगे, विशेषण कहते हैं किसको, परिभाषा में क्या है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता है, विशेषता बता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता है वो क्या कराएगा, विशेषता। यहाँ पर इसमें से संज्ञा कौन कौन है बताएगा, कौन है संज्ञा, राम क्या है संज्ञा, लड़का भी तो संज्ञा है, तो राम का विशेषण बताया क्या है कि राम क्या है गोरा, क्या है गोरा है, गोरा क्या हुआ विशेषण, गोरा क्या है विशेषण, विशेषण तो राम गोरा लड़का है तो विशेषता ना है ये गोरा है, गोरा है, लंबा है, काला है, मोटा है, नाटा है, सब क्या हो जाएगा विशेषण। यहाँ पूछ रहा है मदन, ये संज्ञा है ना, मदन क्या है संज्ञा, क्या विशेषता बता रहा है लंबा है, क्या है लंबा है, तो लंबा हमारा क्या हो गया विशेषण, तो मदन लंबा लड़का है तो लंबा क्या है विशेषण। इधर है फिर मोहन संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है कि मोहन की गाय क्या है काली है, मोहन की गाय क्या है काली है, इसमें विशेषण क्या हुआ काली, इसमें विशेषण क्या हुआ काली। क्या समझ आया, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता है, जैसे यहाँ पे सब संज्ञा संज्ञा हो गया, अगर यहाँ देगा कि वह मोटा है क्या बोलेगा वह मोटा है, तो क्या इसमें क्या संज्ञा सर्वनाम है ना, वह क्या है सर्वनाम, समझते हैं अरे वह क्या हो जाएगा सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त हुआ है, वह क्या है सर्वनाम, और मोटा क्या है विशेषण। यहाँ विशेष सर्वनाम का विशेषता बता है ना, सर्वनाम का विशेषता बता है, यहाँ किसका विशेषता बता है संज्ञा का। नीचे देखो प्रविशेषण किसे कहेंगे, क्या कहता है प्रविशेषण, जो जिस क्या करे विशेषण का विशेषता बता है, जो शब्द क्या करे विशेषण का विशेषता, जो शब्द विशेषण की विशेषता को बतला है उसे क्या कहेंगे प्रविशेषण। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, राम बहुत तेज दौड़ता है, अब यहाँ से बहुत तेज को हटाएंगे तो राम दौड़ता है हो गया, कैसे दौड़ता है बहुत तेज, तो ये क्या हुआ हमारा प्रविशेषण, क्या हुआ प्रविशेषण, बहुत तेज क्या हुआ प्रविशेषण। फिर इसके बाद है सीता बहुत लंबी लड़की है, सीता लंबी लड़की है तो हो गया, बीच में क्या लग गया बहुत, क्या बहुत है लंबी, लंबी का विशेषता बताया बहुत, ये क्या है प्रविशेषण, क्या है प्रविशेषण, नीचे देखो ये है विशेष, यहाँ विशेषण हो गया, ये प्रविशेषण हो गया, ये विशेष, तीनों के वाक्य पर ध्यान दो, विशेष से किसे कहते हैं, ये हो गया कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की क्या हो जाएगा, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, ऊपर देखे हम यहाँ गोरा किसको कह रहा है राम को, यहाँ देखो लंबा किसको कह रहा है राम को, तो ये हमारा क्या है विशेष, विशेष विशेष क्या है विशेष, क्या कह रहा है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा क्या कह रहा है राम, राम का ना विशेषता है लंबा, तो जिसका विशेषता बताएगा वो क्या होगा विशेष, जिसका विशेषता बताएगा वो विशेष, तो राम का विशेषता बताएगा राम क्या हो गया विशेष। सोहन काला है, कौन काला है सोहन, तो सोहन क्या हुआ विशेष, सोहन क्या हुआ विशेष। चलो इधर देखो, अब कह रहा है कि विशेषण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, चार। विशेषण कितने प्रकार हो गए चार, जिसको हम ट्रिक के हिसाब से याद रखेंगे जीपीएस स्क्वायर, क्या याद रखेंगे जीपीएस स्क्वायर, जी से हमारा क्या हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, जी से गुणवाचक विशेषण, पी से परिमाणवाचक विशेषण, पी से परिमाणवाचक विशेषण, और एक एस से हमारा आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण, क्या हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा एस से सर्वनाम विशेषण, दूसरा एस से क्या हो जाएगा सर्वनाम विशेषण। एक उदाहरण से सबको समझेंगे, देखो जो है ना विशेषण प्रविशेषण और विशेष सभी को एक उदाहरण से समझेंगे कि राम बहुत तेज दौड़ता है, क्या लिखा है राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें हमारा राम संज्ञा है, क्या है संज्ञा, राम हमारा संज्ञा है, बहुत तेज हमारा क्या है प्रविशेषण, ध्यान से क्या है प्रविशेषण, और दौड़ना हमारा क्या है काम, जो दौड़ना है वो काम है, क्या है काम, दौड़ना काम है, तो राम दौड़ता है तो ये विशेषण हो गया, क्या हो गया विशेषण, जिसकी विशेषता है ना कि वो दौड़ रहा है, उसमें गुण है कि दौड़ता है वो, तो राम क्या हुआ संज्ञा, तो बहुत तेज क्या है प्रविशेषण, दौड़ना क्या है विशेषता या विशेषण कहेंगे, और राम को पूछे कि राम क्या है तो विशेष्य है,
क्या संज्ञा तो है ही, लेकिन विशेष जिसकी विशेष कौन बहुत तेज दौड़ता है, राम। राम क्या हो गया? विशेष। जिसकी विशेषता बताया जाए वो विशेष है, और विशेषण की जो विशेषता बताया जाए वो पूरा विशेषण है, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है। तीनों चीज क्लियर हुआ? इससे जो इससे आगे जो चारों है ना, गुणवाचक, पर्यायवाचक, संज्ञावाचक, सर्वनामवाचक, सर्वनामी, ये तीनों को अगले दिन चारों को लिखाएंगे। समझ आ गया? नाम को विशेषण ही कहते हैं।